हजरत सोचने लगा कि मैं अब रवाना हो जाऊं हिजरत के लिए अब मैं मदीने की तरफ रवाना हो जाऊं जहां से रवाना, हुए, उसी रास्ते से मैं भी रवाना हो जाऊँस फॉर वॉचिंग डाउन गेट लाइक आज रजियो की हिजरत के मुताल अल्लाह के रसुलरत की बात अल्लाह की तरफ से जब हुक्म आई हिजरत के लिए रसूल मकबूल अलैहि वसल्लम हिजरत पे रवाना हो हजरत हज़रतली रदी अल्लाह तुम फरमाते हैं कि मैं तीन दिन तक बगैर किसी चुपे बगैर किसी खौफ खरास के मैंने जो है लोगों को अल्लाह के रसूल के पास जो अमानत रखे हुए जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के रसूल को लोग अमीन वसाद के हक हाँ कहा करते थे इसी वजह से मैं अल्लाह के रसूल के मकान पर ठेर कर लोगों को अमानतें लोगों के घर तक पहुँचा दी हूँ पहुंचा दिया लोगों के घरों तक पहुंचाने के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तुम्हें सोचने लगा कि मैं अब रवाना हो जाऊं हिजरत के लिए अब मैं मदीने की तरफ रवाना हो जाऊं जहाँ से उसी रास्ते से मैं भी रवाना हो जाऊँ हजरत दिन को सोया करते थे रात को जग जग के चला करते थे मदीना के लिए रवाना हो चुका है अली रज़िया मदीना जाते जाते उनके पाँव में वरम आ चुके हैं उनकी पाओ में छाले पड़ गई हैं और उनकी पाव बड़े मोटे मोटे हो गई है अली रजी अल्लाह तारा चलने के लायक नहीं थे जब मदीना में पहुंचे मदीना में पहुंचा अमर बिन आऊफ के घर में पहुंचा, फरमाने नगा कुलसुम बिन हदम के पास ठहर गए रसूल मकबुल वसल्लम ने सुनकर कि हजरत सैदनाबिन अभी ताले भाई दर करार मदीना में तशरीफ ला चुका है जो रसूल अलैहि वसल्लम भी वहाँ पर क्या फजीर थे अल्लाह के रसूल भी मजिद कबा में क्या फजीर थे अल्लाह के रसुल हजरत अली रज़ी अल्लाह तला की बातें सुनकर जब कहा कि जाओ अली को बुला लो तो लोग कहने लगा कि अली रजी अल्लाह तला आ नहीं सकते हैं अमर बिन औफ कहने लगा रजी अल्लाह नहीं आ सकते हैं क्यों वो इंतहाई परेशानी में है इंतहाई तकलीफ में है उनके पाँव में भी बरहमा चुके हैं और उनके पाँव भी छाले पड़ चुके हैं अब अली चलने के लायक नहीं है मेरे दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआलाहु को देखने के रसूल लिए रसूल मकबूल वसल्लम खुद ले कराते हैं।, आ खुद चल करा। ताला पास आ चुके हैं और कहने लगा क्या हुआ देखा तो पाओ की तरफ पायर की तरफ जब देखा हज़रा पायर बहुत मोटे मोटे हो चुके हैं पाओ में छले पड़ चुके हैं अली रजियाल्लाह परेशान थे बहुत ज्यादा सख्त तकलीफ में थे रसूल मकबूल सलि ने अपने मुबारक से मुबारक से लुआब निकाल कर मल दी है मलना शुरू कर दिया जैसे रसूल मकबूल अपने देहन मुबारक से लुआब निकल कर मेरे पाँव पर मलना शुरू कर दिया जैसे ही जैसे मलना शुरू कर दी वैसे ही मेरे तकलीफें दूर होने लगी है और मेरे ने उसके बाद ऐसे महसूस किया मेरे जिंदगी कि में कभी भी मेरे पाँव में तकलीफ नहीं होंगे और यकीन अल्लाह की कसम कसम रब की अल्लाह पाक परवा देगा भी मेरे जिसम में मेरे पाँव में तकलीफ नहीं हुए जब रसूल मकबूल ने बजाते खुद मेरे पाँव में अपने दयान मुबारक दिया, से ध्यान मुबारक पर लुआब जुआना मलना शुरू कर दिया उस दिन की बात से लेकर मेरे पाओ में कभी तकलीफ नहीं हुए